आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्युमिनियम अनुपस्थित है? दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि दिए गए विकल्प में से किस खनिज में एल्युमिनियम अनुपस्थित है। पहला है क्रियोलाइट, दूसरा है कोरडम, तीसरा है डायस्पर और चौथा है केलामी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प है जो कि एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, तो यदि एल्युमिनियम धातु की बात हो रही है, ठीक है, खनिज क्या होता है दोस्तों, जिनका शुद्धिकरण करके हमें महत्वपूर्ण तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के अयस्क या खनिज हम कह सकते हैं, सबसे प्रमुख होता है बॉक्साइट, ठीक है, इसके बाद होता है दोस्तों क्रायोलाइट, ठीक है, इसके बाद होता है कोरंडम, ठीक है, और इसके बाद होता है डायस्पर, ठीक है। तो ये विकल्प है दोस्तों, ये हमारे एल्युमिनियम के अयस्क अर्थात प्रमुख खनिज है जिनसे कि हमें एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्रायोलाइट क्या है, एल्युमिनियम का खनिज है तो इसमें तो उपस्थित होगा तो ये नहीं होगा। दूसरा है कोरंडम, तो ये भी एल्युमिनियम का खनिज है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है डायस्पर भी एल्युमिनियम का खनिज है तो ये भी नहीं। चौथा है केलामिन किसका होता है दोस्तों, जस्ता यानी कि जिंक धातु का, ठीक है, जिंक धातु का, अर्थात इसमें एल्युमिनियम अनुपस्थित होता है। तो ये विकल्प हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।